कन्नौज में एक युवक की घर में निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह खून से लथपथ शव परिजनों को कमरे में पड़ा मिला। परिजन मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के नगरिया ताल गांव निवासी इंद्रपाल का खून से लथपथ शव उसके कमरे में पड़ा मिला। परिजनों ने इसकी सूचना डायल 112 नंबर पर दी। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी के किसी से अवैध संबंध थे। वह अक्सर उससे मिलने आता था, जिस कारण पति पत्नी में विवाद होता रहता था। इंद्रपाल के परिजन उसकी पत्नी पर हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। पति पत्नी इन दोनों का आपस में जो झगड़ा होता था, और इससे पहले भी एक दो का झगड़ा होगा। इस षडयंत्र में इन लोगों भाभी के साथ जो तीन चार लोग साथ में हैं वो घर पे आते थे। इसके बाद इन लोगों ने मिलके भाई की हत्या की है। मुझे निष्पक्ष जांच की जरूरत है। हत्या की सूचना पर सौरिक एसओ सीओ व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी सहित चार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज प्रातः इंद्रपाल पुत्र श्री कृष्ण उम्र लगभग 48 वर्ष का शव उनके मकान के प्रथम तल पर जिस कमरे में वो रहते थे वहाँ पर पाया गया। उनके मुंह से रक्त स्राव था और चेहरे पे कांच की बोतल से जो कि शराब की बोतल वहीं पर पड़ी हुई थी टूटी हुई दशा में उसी के निशान थे। उनकी पत्नी द्वारा पड़ोसियों को बताया गया कि रात में पति के साथ इनका झगड़ा हुआ था और उनकी पत्नी सीमापाल जो कि पेशे से अध्यापिका हैं उसके साथ पति ने रात्रि में मारपीट भी की थी। उसके बाद ये अपने कमरे में बच्चों को लेकर के सो गई थी। सुबह 4:15 बजे के आसपास उन्होंने शव को देखा। वहाँ पर फील्ड यूनिट और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।